बेसिक शिक्षा विभाग के जनपद में संचालित स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों पर चार शिक्षक नौकरी करते मिले। चार शिक्षकों पर बीएसए ने कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा समाप्त की है। वहीं चारों शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ वेतन की रिकवरी के भी आदेश जारी कर दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में फर्जी दस्तावेजों से बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षिका शिक्षक नौकरी करते पाए गए थे। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी को जनपद के परिषद स्कूल में ऐसे शिक्षकों का पता कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी शासन ने दिए थे। कुछ शिकायतें भी मिली थी कि जनपद में फर्जी शिक्षक दस्तावेजों पर कई शिक्षक नौकरी कर रही हैं। पिछले दिनों लगातार बुलंदशहर सुर्खियों में रहा था। वजह थी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शिक्षिका फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करती पाई गई और एफआईआर होने के बावजूद भी आज तक उनका पता नहीं लगा। जनपद में फर्जी शिक्षक दस्तावेजों पर कई शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। ऐसा शासन का आदेश मिलते ही बुलंदशहर के बीएसए अखंड प्रताप सिंह ने सभी एबीएसए व अन्य अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की तलाश के लिए एक आदेश जारी किया था, जिस पर अफसरों ने ऐसे शिक्षकों की तलाश की। अभी तक चार ऐसे शिक्षक मिले जो फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुसार दानपुर ब्लॉक, सिकंदराबाद ब्लॉक और डिबाई ब्लॉक में फर्जी शिक्षक शैक्षिक दस्तावेजों पर नौकरी करते मिले। इन शिक्षकों की यूपी टेट की मार्कशीट भी फर्जी थी। ये सभी फर्जी टीचर लगातार नौकरी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुहिम से बेसिक शिक्षा विभाग में हो रही फर्जी नियुक्तियों पर रोक लगी है। बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया, परिषदीय स्कूलों में फर्जी शिक्षक दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे चार शिक्षक मिले हैं, जिनकी तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर वेतन की रिकवरी के आदेश जारी कर दिए। अभी भी ऐसे कई शिक्षक रडार पर हैं। जनपद में किसी ऐसे शिक्षक को नहीं बख्शा जाएगा जो फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे हैं। संवाददाता अमित राणा, बुलंदशहर। फर्जी नौकरी करते हुए और आपने चार लोगों को कल चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, पूरा क्या मामला है? जो फर्जी हैं उन पर हम लोग भी गहनता से जो है जांच कर रहे हैं, और जांच करने में जिसके जो है फर्जी अभिलेख मिल रहे हैं उन पर जो है तुरंत एफआईआर करने का आदेश दिया गया है खंड शिक्षा अधिकारी को। खंड शिक्षा अधिकारी ने जो है एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। अब उन पर जो है वेतन रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। सर, कब से ये नौकरी कर रहे थे? ये लगभग चार साल हो गया, चार साल से नौकरी कर रहे थे। सत्यापन में जब अभिलेख फर्जी उनकी जांच कराई गई, जांच कराने में जब आए हैं कि अभिलेख फर्जी हैं, तो तुरंत जो है खंड शिक्षा अधिकारी को हमने आदेश किया कि इस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करिए। खंड शिक्षा अधिकारी ने जो है एफआईआर दर्ज कर दिया। अब निर्देश दिए हैं हमने कि इनका जो है वेतन की रिकवरी की जाए।